वेलकम राय साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, राय साहब आज आ गए माशाल्लाह। आज थोड़ा सा सुकून होके चैनल पे बैठे हैं, तो क्या वजह है इसकी? क्योंकि जुम्मा का दिन है, पिछले हफ्ते से तो बहुत ज्यादा काम की। आज भी 324 की बिल थी। मौसम जो है ना वो बहुत ही VIP हुआ हुआ। टीपू साहब को जबरदस्ती ले आया, क्राउन कॉलेज बनाया जी इधर नहर के पास बनाया, और दिन रात यकीन करें और नहर के ऊपर लोकेशन अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू बाबर संधू ब्रदर्स। तो काफी दिनों बाद जो है वो मैं आ चुका हूँ, अब डेली व्लॉग में आया करूँगा। और आज आपको प्रॉपरली तौर पे व्लॉग में शामदीद करते हैं। बाबर साहब बैठे हुए हैं ऑफिस ही हैं। वेलकम वेलकम राय साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक करिए से हैं दोस्तों। राय साहब आ गए माशाल्लाह, कुछ मसरूफियत थी इनकी ज़ाती तौर पे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो इंशाल्लाह आज के बाद जो है कंटिन्यूटी ये ब्लॉग का और मामला का हिस्सा रहा करेंगे, और बाकी इंशाल्लाह आगे जाके आपसे डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों बाद आज थोड़ा सा पुरसकून होके चैनल पे बैठे हैं, तो मियाँ साहब भी बैठे हुए हैं, किची साहब आज छुट्टी पे हैं। तो मियाँ साहब आज पूरा हफ्ते बाद मैंने आपको देखा है कि थोड़ा रिलैक्स बैठे हुए हैं, अदरवाइज तो ये जैसे मैं आता हूँ तो दौड़ लगी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या वजह है इसकी, आज बड़े पुरसकून आप बैठे हुए हैं? सर साहब, बात इस तरह से है कि आज चूंकि जुमा का दिन है, तो जुमा के दिन वैसे भी हाफ डे होते हैं, तो हाफ डे के वाले से काम आज भी लगा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 11-12 बजे तक जो है मुकम्मल हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते से तो बहुत ज्यादा काम की वजह से, बहुत ज्यादा रश होने की वजह से बहुत ज्यादा बिजी रहे। बेल मैटर्स काफी सारे थे, और कुछ सिविल जो स्टे वगैरह थे वो भी मैं देख रहा था। जी जी, आज भी 324 की बेल थी दो, और उसके अलावा जो रेगुलर पेशी होती हैं वो भी लगी हुई थी। जी जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े रिलैक्स में, आज थोड़ा रिलैक्स हुए। तो अभी चलते हैं जी कार, निकलते हैं चैम्बर से, मियाँ साहब से इजाजत लेते हैं, चलते हैं। अब तकरीबन यार पंखे की काफी आवाज आ रही है, पंखा स्लो कर देते हैं। तो यार काफी दिनों बाद आज आ गया हूं मैं, और आज से जो है वो भरपूर अंदाज से काम शुरू हो जाएगा व्लॉगिंग का। और आज था जुमा, और जुमा पढ़ लिया हमने, ऑफिस थे, ऑफिस से जुमा पढ़ के अब घर आ चुके हैं। तो अभी बाबर साहब से मिलवाते हैं आपको, बातें शातें करते हैं। खुरम बैठा हुआ है देख सकते हैं आप। तो अभी ये है कि कल या परसों या 2-3 दिन में या शायद कल ही हम जा रहे हैं स्वात, और जाके वहाँ पे जो दूसरा चैनल है संधू व्हील्स वाला, उसके लिए कुछ रिव्यूज़ वगैरह बनाने हैं गाड़ियों के, वो बनाएंगे। और उधर इस चैनल पे भी डेली व्लॉगिंग करेंगे, आपको उधर अच्छे अच्छे बेहतरीन किस्म के कुदरती व्यूज़ दिखाएँगे, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा वो वाले व्लॉग देख के। और कल इंशाल्लाह शायद निकल जाएँ। तो अभी बाबर साहब आते हैं, बाबर साहब से भी आपको मिलवाते हैं। यार मैं ना अभी बैठा हुआ था, तो एक ना मैंने नोटिफिकेशन देखा है, हमारी उकाड़ा बार ने वो नोटिफिकेशन निकाला, और उसमें उन्होंने ये लिखा है, बहुत ही अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि जो कचहरी का अहाता में या कचहरी की बाउंड्री में जितने भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं ना, मतलब कि शॉप्स के ऊपर जितने भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी खरीदो फरोख्त जो है वो उन्होंने बंद कर दी है, और सब दुकानदारों को उन्होंने मुतला किया है कि आपने इसराइली प्रोडक्ट्स की जो खरीदो फरोख्त है वो आपने नहीं करनी, ठीक है? अगर कोई करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यार मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है, तो वो तो बाहर में इमरान कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम अपने घरों में, ठीक है, अपने आस पास जहाँ पे भी देखें इन चीज़ों को, तो बाइकआउट करें, अपने घरों में वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें, पाकिस्तान की लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि इनसे उनको एड मिलती है, इसराइल को एड मिलती है, तो वो फिर हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म करते हैं, तो इसमें हमारा भी रोल ऐड हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी हद तक। तो हमें इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, और कुछ तो हम कर नहीं सकते, ना ही हमारी हुकूमत कर रही, तो हम अपनी ज़ात का जितना रोल अदा कर सके हमें वो करना चाहिए। जी बाबर साहब आ गए, खाना छाना भी खा लिया था बाबर साहब, काम क्या हुआ था? चाय पी रहे हैं, और अभी एक प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह, कल परसों का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होगा, वो मैंने बताया पहले, तो उसके लिए सरप्राइज देंगे आपको, और आपके लिए कोशिश करेंगे। पहले भी हमारी कोशिश होती है प्रायोरिटी बेस पे, क्योंकि राय साहब थे नहीं, और चूँकि टीम जब तक पूरी ना हो तो आपको पता है कि जो काम है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो आज से एक नया प्लान तरतीब दिया है, उसमें यह है कि कोशिश की जाएगी कि आपके लिए जो है ना इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए, ताकि उससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो और हमें भी नई चीज़ें जो है ना वो सीखने का जो है ना एक
वक्त जो है ना टाइम मिले, और जो चीज़ें होती हैं आजकल जो लेटेस्ट आपको पता ज़माना है उसमें जो नई नई चीज़ें हैं वो सीखनी चाहिए, और सीख के मैं चाहता हूँ कि दोस्तों को भी वो चीज़ें जो है ना बताई जाए, उससे जितने लोगों का फ़ायदा होगा वो एक सवाब भी है और एक अच्छा काम भी मैं समझता हूँ। तो इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की हद तक होगा, उसके कुछ लीगल पहलू भी हैं कुछ इनलीगल पहलू भी हैं, तो वो इंशाल्लाह जब वो वीडियो दिया करेंगे उसमें आपके साथ वो लाजमी डिस्कस किया करेंगे। तो गाड़ियों के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि गाड़ियों के हवाले से संदूक व्हील्स के नाम से हमारा चैनल है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले बनाया, अच्छा जा रहा है माशाल्लाह आपकी दुआओं से आपकी मोहब्बतों से। तो आप उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उसमें आपके लिए गाड़ी जब गाड़ी के बम्पर से लेके ना आपके बैक बम्पर तक आपके आपके लिए इंफॉर्मेशन है, और ऐसी जामिया किस्म की इंफॉर्मेशन होगी कि उसमें हमें इंशाल्लाह एक एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, और आपको अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको गाड़ी लेते वक्त कम अज़ कम जेन में या माइंड में ये चीज़ नहीं होगी कि ये हम पैसा जो लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं या सही लगा रहे हैं, वो इंशाल्लाह हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। तो वो इंशाल्लाह वो विद इन अ वीक उस पर हम एक बड़ी डिटेलर वीडियो देने वाले हैं, तो आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, जैसे आपने बाबर संधू ब्रदर्स को पहले आपने प्रमोट किया है, तो हम चाहते हैं कि इसी तरह आप जो संधू व्हील्स है उसको भी प्रमोट करें, जो कि आपके लिए एक बड़ा इंफॉर्मेटिव चैनल साबित होगा। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, इस दफा हमने ना खुरम को कार एंथुसियास्ट बना देना वहां पे जाके, इसको कार की आधा इंफॉर्मेशन दे देंगे, खुद खुरम भाई खुद जो है ना कार की आप जैसे वो कार पकड़ते हैं तो खोल नहीं देते उसका इंजन और चीज ज्यादा कर देते हैं। इस दफा हम जो वीडियो लेके आएंगे संधू व्हील्स के ऊपर वो आएगी वीडियो, और इधर भी हम एक दो वीडियो इधर भी डालेंगे, मतलब कि डेली व्लॉग इधर आएंगे और गाड़ियों वाले जनरल उसकी जो आपको चीजें जो जनरल जनरल चीता चीता चीजें होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो संधू व्हील पे जाके मिलेगी। और खुरम से मेरी मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इंशाल्लाह उस जो वीडियो को गाड़ियों की जो वीडियो हम लेके आ रहे हैं उसको ऐसे आपके साथ इंफॉर्मेशन देगा जैसे आपको उसने चैनल मोनेटाइज के हवाले से बताया, और बड़ी मैं समझता हूँ एक जामिया किस्म का उन्होंने एक लेक्चर दिया वहाँ पे, ये मैं और खुरम मिलकर करेंगे। और हाँ बिल्कुल सफियान, बिल्कुल पहले भी उसमें सफियान बड़ा माशाल्लाह उसमें इसके पास मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा जो SUV या इस तरह की 750 या इस तरह की जो ये बातें करते हैं, तो मैं खुद जो है ना ये चीजें इनसे सीखता हूँ खुरम से और सफियान से, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं गाड़ियों को इतना डीपली नहीं जानता जितना ये मतलब ये सर्च करते हैं, और सर्च करना जो है ना वो उसमें ज्यादा मालूमात बंदे के पास है। जी तो दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है और मौसम जो है ना वो बहुत ही VIP हुआ हुआ, देख सकते हैं बाबर साहब भी खुरम भी और टीपू साहब भी वॉक पे निकले हैं, और अभी चलते हैं वॉक करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मौसम यार ना बहुत VIP हो गया था, तो सोचा कि बाहर निकलते हैं थोड़ी सी ताज़ा हवा खाते हैं और थोड़ी सी वाक भी हो जाएगी। तो बाबर साहब मुड़ के तो देखें आप तो आगे आगे चलते जा रहे हैं। जी जी वाक के लिए निकले अभी, तो थोड़ी मैं वाक स्पीड से करता हूँ। टीपू साहब को जबरदस्ती ले आया आप, तो मैंने उनसे ये कमिटमेंट करके लाया हूँ कि आपने तेज चलना है, मुझे उम्मीद है कि तेज नहीं चलेंगे लेकिन मैंने चलना है और वाक करनी है, और वाक वही होती है जो स्पीड से की जाए, वैसे तो वाक करने का फायदा नहीं है आपको पता है। यार ये क्राउन कॉलेज बना है जी इधर नहर के पास, और ये दिनों में बना है यकीन करें, ये मैं ईद से पहले घर गया हूँ और तब ये मतलब के स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, इन्होंने घंटों में बनाया और दिन रात यकीन करें मैं ईद से पहले गया हूँ और ग्रे स्ट्रक्चर था इसका, और अभी ये देखिए कम्प्लीट हो गया तकरीबन। तो ये जी क्राउन कॉलेज है, ये पहला कॉलेज है क्राउन कॉलेज जो काड़ा में खुला है, FSC लेवल इंटर लेवल का, और नहर के ऊपर लोकेशन अच्छी है, और साथ ही इसके बिल्कुल ये फूड वैली भी एक मतलब के छोटे छोटे जो फूड पॉइंट है वो भी बने हुए हैं। जी तो दोस्तों वॉक कर ली है और आ चुके हैं घर, और खुरम भी बैठा हुआ है, तो खुरम यार फिर जा रहे हैं आज रात को ही हैं। सुना तो है आपको, तो पता है राज की बातें मैं तो जानता नहीं यार, तुम भी साथ ही होते हो यार। बहरहाल दोस्तों निकल रहे हैं रात को ही और जा रहे हैं सवात, और वहां जाके इंशाल्लाह आपको नॉन कस्टम गाड़ियों के रिव्यूज करवाएंगे, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अभी तक जिन्होंने बाबर संधू ब्रदर्स क्या
ये जो वीडियो होती है ना हमारी, इसके नीचे अगर आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, नीचे वाली साइड पे जहाँ पे चैनल का लोगो बना होता है, तो उसके बिल्कुल नीचे चैनल हमारा अटैच होता है दूसरे वाला, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। जी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, जैसा कि आपको पूनम ने बताया है, दूसरे चैनल की भी हर व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में हम वो लिंक लगाते हैं, तो उस पर भी जाके अपनी सपोर्ट दिखाएं और सब्सक्राइब करें उस चैनल को भी, और इस चैनल को भी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियो पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।